हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पान शॉर्ट्स की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट तो पूछिए ही मत कितना अमेजिंग होने वाला है। वैसे भी गर्मियां आ ही गई हैं और गर्मियों में तो मन ही करता है ना कुछ चिलिंग चिलिंग सा खाने या पीने का। तो गाइस, जब मैंने फर्स्ट बार इसे बनाया था तो मैं यही सोच रही थी कि ये पान का है, पता नहीं कैसा टेस्ट लगेगा कैसा नहीं लगेगा। लेकिन जब बनाने के बाद इसका जो रिजल्ट आया ना, तो मैं खुद ही अमेज थी कि इतना टेस्टी, वो भी ये पान का। अब ये जो पान नहीं खाते हैं उनको इतना पसंद आ रहा है, तो सोचिए जो पान खाते हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा। अब जब मेरे हस्बैंड छुट्टी आएंगे ना अब की बार, तो मैं यही सोची हूँ कि मैं बहुत सारा स्टोर करके रखने वाली हूँ आइस बना के। चलिए फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया है 5 से 7 पान, और ये पान जो है मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, धुल के सुखा लिया है इस तरह से। तो अब हम इसे, इसके जो मोटे मोटे पार्ट हैं, मैं इस तरह से निकाल देंगे। तो सारे पान मेरे कट हो गए हैं। अब हम एक जार लेंगे, उसमें सारे पान को डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, 3 इलायची मैंने यहाँ पे लिया है, आप इलायची की जगह इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल दे रही हूँ 3 बड़ा चम्मच शुगर, 1/4 चम्मच सौंफ डाल दे रहे हैं। बिना सौंफ के मुखवास का मजा ही क्या है। और मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच गुलकंद, और मैं यहाँ इसको ग्राइंड करने के लिए ठंडा पानी डाल रही हूँ इसमें, और अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी। तो कलर देख रहे हैं कितना सुंदर सा आया है, ग्रीन ग्रीन कलर। तो इस तरह से आप बना के इसे 1 हफ्ते तक रख सकते हैं फ्रिज में, 1 हफ्ते तक इसे आप चला सकते हैं। और अगर आपको 5-6 महीने के लिए स्टोर करना है तो आइस ट्रे में इसे रख के और फ्रीज कर लीजिए, और फिर जब आपका मन करे इसे आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 बाउल लूँगी और उसमें मैं इसे 3 चम्मच ये डाल दूँगी, 1/2 लीटर दूध डाल दूंगी। और अब यहाँ मैं होममेड आइसक्रीम डाल दूंगी। आइसक्रीम की जगह आप फ्रेश क्रीम और व्हिप्ड क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, कलर थोड़ा सा फीका हो गया है। कलर ऑप्शनल है, अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप घर में पीने के लिए बना रहे हैं तो मत ही डालें। अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा बीट कर दूंगी। अब मैं आपको सर्विंग करके दिखाती हूँ। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा चॉप्ड पिस्ता रख दूंगी और केसर के धागे, और 1-1 गुलाब की पंखुड़ी रख दूंगी। तो
अब इसे हम चेक कर लेते हैं। चेस। गाइस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। इसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। फिर मिलूंगी ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।